हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू यन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं इनसे और कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है ठीक है वो फ्रिक फिक्स होते हैं ठीक है तो आज के सेशन में कुछ क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट है आई डू नॉट एग्री डैश योर प्रपोजल ओके आपको यहाँ करेक्ट प्रपोजिशन बताना है ऑप्शन नंबर ए है विथ ऑप्शन नंबर बी देखेंगे ऑप्शन नंबर बी है फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है टू एंड ऑप्शन नंबर डी देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है ऑन ओके आई डू नॉट एग्री डैश योर प्रपोजल मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं तो एग्री विथ योर प्रपोजल फ्रॉम योर प्रपोजल टू योर प्रपोजल या ऑन योर प्रपोजल इन चारों में से कौन सा करेक्ट प्रोपोजिशन यहाँ पे फिल होगा आपको बताना है चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि टू आएगा आई डो नॉट एग्री टू योर प्रपोजल इसे याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे वी हर डैश इट डैश आवर मीटिंग ठीक है यहाँ दो 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 प्रीपोजिशन आपको भरना है इसे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है ऑफ थ्रू ऑप्शन नंबर बी है एट ड्यूरिंग ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है ऑफ ड्यूरिंग एंड ऑप्शन नंबर डी देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है ऑफ इन ओके तो चलिए देखते हैं वी विहर डैश इट डैश अवर मीटिंग हमने इसके बारे में अपनी मीटिंग के दौरान सुना तो चलिए यहां देखते हैं उचित प्रिपोजिशन क्या हो सकता है यहाँ पे पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा सही बैठ रहा है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा वी हर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग अवर मीटिंग हमने इसके बारे में अपनी मीटिंग के दौरान सुना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे ए गुड जज नेवर ग्रुप्स दैट्स द कंक्लूजन ओके यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है ऑप्शन नंबर ए है टू ऑप्शन नंबर बी देखेंगे ऑप्शन नंबर बी है एट ऑप्शन नंबर सी है ऑन एंड ऑप्शन नंबर डी देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है फॉर ओके ए गुड जज नेवर ग्रुप्स ग्रुप द कंक्लूजन एक अच्छा जज जो होता है वो कभी भी निष्कर्ष को नहीं टटोलता है ठीक है अचानक से निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाता है या निष्कर्ष को नहीं टटोलता है तो ग्रुप्स के साथ क्या लगेगा तो राइट right ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा ए गुड जज नेवर ग्रुप्स फॉर द कंक्लूजन ओके एट टू या ऑन नहीं होगा बल्कि फॉर द कंक्लूजन क्वेश्चन नंबर फोर है लेट दिस बी एन एग्जाम्पल फॉर डैश द ट्रेवल मेकर ठीक है करेक्ट पोजिशन बताना है ऑप्शन नंबर ए है फॉर ऑप्शन नंबर बी देखेंगे अबाउट ऑप्शन नंबर सी है अगेंस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है टू ओके लेट एन एग्जाम्पल डैश द ट्रेवल मेकर इसे uh, उपद्रवियों के लिए एक उदाहरण बनने दें ठीक है यहाँ पे आपको करेक्ट प्रोपोजिशन बताना है कि इसे उपद्रवियों के लिए एक उदाहरण बनने दें तो यहां देखते हैं कि कौन सा करेक्ट प्रोपोजिशन होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा टू द ट्रॉवल मेकर लेट दिस बी एन एग्जाम्पल टू द ट्रावल मेकर ओके क्वेश्चन नंबर फाइव है कीप क्लियर डैश विक्ट बॉयस ओके यहाँ करेक्ट प्रोपोजिशन बताना है ऑप्शन नंबर ए है ऑफ ऑप्शन नंबर बी है फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है एट एंड ऑप्शन नंबर डी देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है कि okay? दुष्ट बच्चों से दूर रहो तो यहाँ पे ऑफ विक्ड बॉयज आएगा या फ्रॉम विक्ड बॉयज एट विक्ड बॉयज या आफ्टर विक्ड बॉयज तो चलिए राइट ऑप्शन देख लेते हैं राइट right ऑप्शन क्या है इस तरह के जो भी प्रीपोजिशन है आपको याद करना है ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट किप क्लियर ऑफ विग बॉयज ओके दुष्ट बच्चों से दूर रहो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे आई एम एंग्री विथ हिम डैश हिज केयरलेसनेस ओके ऑप्शन नंबर ए है एट ऑप्शन नंबर बी देखेंगे ऑप्शन नंबर बी है इन ऑप्शन नंबर सी है फॉर एंड ऑप्शन नंबर डी देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है ऑफ ओके आई एम एंग्री विथ हिम डैस हिज केयरलेसनेस मैं उसके लापरवाही पर मैं नाराज हूं तो एट हिज केयरलेसनेस होगा इन हिज केयरलेसनेस फॉर हिज केयरलेसनेस ऑफ ही ऑफ इज केयरलेसनेस ठीक है तो चलिए राइट ऑप्शन देखते हैं राइट right पोजिशन क्या आएगा ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा एट हिज केयरलेसनेस इस तरह के सेंटेंस में एट लगाते हैं आई एम एंग्री विथ हिम एट हिज केयरलेसनेस क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे वी गेट आउट डैस लाइफ जस्ट व्हाट वी पुट इन टू इट ऑप्शन नंबर ए है फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी देखेंगे ऑप्शन नंबर बी है टू ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है ऑफ एंड ऑप्शन नंबर डी है इन ओके वी गेट आउट डैश लाइफ जस्ट वाट वी पुट इन टू इट यानी कि जो हम जीवन में डालते हैं वही हम क्या करते हैं जीवन से प्राप्त भी करते हैं जो हम जीवन में डालते हैं वही हम जीवन से प्राप्त भी करते हैं तो वी गेट आउट फ्रॉम लाइफ या टू लाइफ ऑफ लाइफ या इन लाइफ करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी ऑफ लाइफ वी गेट आउट ऑफ लाइफ ओके यानी कि जो हम जीवन से प्राप्त डालते हैं वही जीवन से प्राप्त करते हैं क्वेश्चन नंबर एट है अवाइस पर्सन ऑलवेज एवेल्स हिमसेल्फ डैश अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन नंबर ए है विथ ऑप्शन नंबर बी देखेंगे ऑफ ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है अबाउट एंड ऑप्शन नंबर डी देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है इन ओके पर्सन ऑलवेज अवेल्स हिमसेल्फ अपॉर्चुनिटीज यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो हमेशा मौके का फायदा उठाता है यानी कि अपने अवसर का लाभ उठाता है तो अवेल्स के साथ यहाँ पे करेक्ट पोजिशन क्या लगेगा विथ ऑफ अबाउट इन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा एवाइसिटी क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे द लॉ इज नॉट कंसर्न एज पोलिटिकल स्टेटसडे ऑप्शन नंबर ए है फॉर ऑप्शन नंबर बी देखेंगे ऑप्शन नंबर बी है इन एंड ऑप्शन नंबर सी है अबाउट एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑफ ओके द लॉ इज नॉट कंसर्न डैज पोलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज यानी कि जो न्याय होता है वो आरोपी के राजनीतिक स्थिति की चिंता नहीं करता है कि उसकी पोलिटिकल स्टेटस क्या है ठीक है तो यहाँ पे आपका करेक्ट प्रिपोजिशन फॉर इन अबाउट ऑफ करेक्ट प्रिपोजिशन ए होगा फॉर द लॉ इज नॉट कंसर्न फॉर पोलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज ओके क्वेश्चन नंबर टेन देखेंगे ए बर्स्ट क्रैश डैश ए कार ठीक है एक, एक, तो, एक, एक, एबर, एक, एक बस एक कार से टकरा गया तो टू ए कार होगा ऑप्शन नंबर बी है इंटू ए कार होगा ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है विथ एंड ऑप्शन नंबर डी देखेंगे अगेंस्ट ओके ए बस क्रैश डैश ए कार करेक्ट पोजिशन बताना है कि एक बस एक कार से टकरा गई तो चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा क्रैस्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं टू इंटू विथ या अगेंस्ट तो राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इंटू ए कार याद रखेंगे क्रैश के साथ इंटू ही लगाते हैं ए बस क्रैश इंटू ए कार ओके आई होप इस सेशन अच्छा लगा होगा प्रिपोजिशन के ढेर सारे क्वेश्चन यूपी टी एस टी पी एग्जाम में आते हैं तो इसलिए ज्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करके जाएंगे ओके इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी इसी तरह के और भी वीडियोस मिलेंगे आपको चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए